गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमने पहले आपको एडेनियम के बारे में पहली सीरीज में बताया था कि एडेनियम क्या होता है, साल भर में कितना फूल खिलता है, इसका रख रखाव कैसे होता है। आज हम आपको एडेनियम के बारे में बताने वाले हैं कि इसकी ग्राफ्टिंग टेक्निक क्या होती है। ये जो पौधा आपको सामने दिख रहा है, ये पौधा सीड से तैयार हुआ है। जो सीड से पौधा तैयार होता है वो नॉर्मली सिंगल पेटल होता है और देखने में कुछ इस टाइप का होता है। तो जब इस पौधे की एज जो है वो 10 महीना हो चली है, तो जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो इसको ग्राफ्ट किया जाता है। ग्राफ्ट का मतलब ये होता है कि इसका ये मदर रहेगा, सहन रहेगा, और दूसरा जिस वैरायटी का हमको बांधना है वो हम आपको आगे दिखाएंगे कैसे बांधा जाता है, तो वो पौधा तैयार हो जाता है। इसमें हमेशा इसी टाइप का फूल खिलेगा। लेकिन अगर इस वाले में देखिए दो बड़े हैं, एक यहाँ हम काट के टेक्निक बताएंगे आपको कि यहाँ से काट करके वी ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, और इसमें बताएंगे कि वी ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो इसमें हम एक रंग का इधर बांध सकते हैं, एक रंग का इधर बांध सकते हैं। तो जो ग्राफ्टेड पौधा होता है उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और वो मल्टी कलर्ड होता है। इस ग्राफ्टिंग का जो राइट टाइम होता है वो जाड़ा जाने के बाद फरवरी से स्टार्ट होता है, और फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीना जो है ग्राफ्टिंग किया जाता है। ग्राफ्टिंग करते समय हम लोगों को कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ग्राफ्टिंग कैसे करी जाती है, ग्राफ्टिंग में क्या टूल लगता है, ग्राफ्टिंग में कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, ग्राफ्टिंग करने के बाद मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए, पौधे को कहाँ रखना चाहिए, उसका वाटर मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ये सब बातें हम आपको अभी जब ग्राफ्टिंग करेंगे तो बताएंगे। टोटल हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि 250 से 300 वैरायटी इजीली अवेलेबल होती हैं, और वो मल्टी पेटल होती हैं। उनको हम लोग रोज़ी एडेनियम कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है डिज़र्ट रोज़ भी। तो अभी आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे ग्राफ्टिंग करी जाती है। मैंने आपको जो अभी पौधा दिखाया था, सीड वाला पौधा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर खिले थे और उसके अंदर में दो डंडियां चली थी। तो अब मैंने आपसे बताया था कि उसमें मल्टीपल ग्राफ्टिंग करेंगे। तो एक तो देखिए ये वाइट पौधा है, ये वाइट एक डाल पे ये बनाया जाएगा और दूसरे वाले पर ये इंडिगो वेराइटी है ये बांधा जाएगा। तो इस तरीके से एक पौधे के ऊपर जो बीज वाला पौधा था उसके ऊपर हम आपको दो वैरायटी बांधते हुए दिखाएंगे। अब देखिए हम आपकी वाइट की ग्राफ्टिंग जो है सबसे पहले कर रहे हैं। जो मेन पौधा था उसको हॉरिजेंटली एक ब्लेड से, जो बिल्कुल नया ब्लेड लिया था, उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, तो उसका ये वाला पोर्शन जो है ये ले लिया, ठीक है। अब ये इसको यहाँ से कट करेंगे। एक इसको देखिए ये मैंने इसको कट किया, और उसके ऊपर वही वाइट वाला जो था वो इसके ऊपर आसानी से बैठा करके, ये ध्यान देना है कि उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस और इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस दोनों बिल्कुल प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर चिपक जाना चाहिए, कोई एयर गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हम ऊपर पन्नी से, ये पन्नी है देखिए, ये रबर बैंड है, और इसको ऊपर से बांध करके टाइट कर देंगे। टाइट करते समय इस बात का ध्यान देना है हमको कि बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। ऊपर हमने पन्नी से बांध दिया, और सेफर साइड करने के लिए उसको हम अब रबर बैंड से नीचे की तरफ से बांध रहे हैं। तो जब कटिंग होती है तो पौधा अपने तरफ से नॉर्मली जो है वो एक लिक्विड निकालता है, सलाइवा निकालता है, जो आपस में एक दूसरे से मिल करके जुड़ जाते हैं। इस बात का हमको ध्यान देना है कि बिल्कुल हवा बीच में नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। तो ये आप देखें, इसको खींच करके बराबर किया जा रहा है, और बिल्कुल बराबर करते हुए ये कर रहे हैं इसको। अभी देखिए वाइट वाला ग्राफ्टिंग ऑलरेडी बीजू वाले पौधे पे हो गई है। अब ये दूसरी जो इंडिगो वैरायटी है वो इस वाले डाल के ऊपर बांधी जाएगी। सिस्टम वही रहेगा, इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, इसका यहाँ से ये पोर्शन लेंगे, दोनों हॉरिजॉन्टली एक के ऊपर एक रख देंगे, और उसके ऊपर फिर वही टेप से और रबर बैंड से बांध देंगे। बांधने के बाद क्या होगा,
कि अब ये देखिए ब्राउन वाला जो इंडिगो वाला है उसकी ग्राफ्टिंग हो रही है, और ग्राफ्टिंग करने के बाद ऊपर से टेप लगाया गया है और रबर बैंड से उसको बिल्कुल टाइट एयर टाइट कर देना है कि कहीं से भी एयर जा कर के इसका जो सलाइवा है वो सोखे ना। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये इधर वाइट वाली ग्राफ्टिंग हो गई है और ये इंडिगो ग्राफ्टिंग हो गई। इस तरीके से एक ग्राफ्टिंग का पूरा पौधा जो है वो तैयार हो गया है।